बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद 98 वर्ष की आयु में मुंबई के एक अस्पताल में बुधवार को उनका निधन हो गया। हिंदी फिल्म जगत में ट्रेजरी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार मंगलवार से हिंदुजा अस्पताल की गैर कोविड गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती थे। दिलीप कुमार के निधन से फिल्म जगत समेत देश भर में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के दिग्गज हस्तियों ने दिलीप कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया। शाम 5 बजे सांता क्रूज मुंबई में जुहू कब्रिस्तान में उनका अंतिम संस्कार किया गया। दिलीप कुमार का इलाज कर रहे डॉक्टर जलील पार्कर ने पीटीआई भाषा से कहा, लंबी बीमारी के कारण सुबह 7:30 बजे उनका निधन हो गया। अभिनेता को पिछले एक महीने में कई बार अस्पताल में भर्ती कराया गया था।